हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वजन और उसकी इकाइयों वेट एंड इट्स यूनिट्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। राजू की माँ ने उसे अप्पू की दुकान से 1450 ग्राम पनीर और 2 ग्राम केसर खरीदकर लाने को कहा। राजू रास्ते में खेलते खेलते आखिर अप्पू की दुकान पर पहुंच ही गया। मुझे 2 ग्राम पनीर और 1400 ग्राम केसर चाहिए, राजू ने अप्पू से कहा। अप्पू हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब 1450 ग्राम पनीर और 2 ग्राम केसर है। राजू कुछ समझ नहीं पाया। तब अप्पू ने एक वजन कांटे पर 2 ग्राम पनीर रखकर राजू से कहा, देखो राजू, 2 ग्राम पनीर इतना सा है, क्या तुम्हारी माँ इससे कोई भी व्यंजन बना पाएंगी? नहीं, लगता है मैंने इन दोनों वस्तुओं की इकाइयों को अदल बदल कर दिया। अब राजू ने अप्पू की दुकान पर लगे बोर्ड पर पढ़ा, पनीर 200 रुपए किलो। अरे, मुझे तो माँ ने 1450 ग्राम पनीर लाने को कहा था, ये कितने किलो के बराबर होगा? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 1450 ग्राम कितने किलो के बराबर होगा? 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर है, तो 1450 ग्राम कितने किलो के बराबर है, इसका पता लगाने के लिए हमें केवल 1450 को 1000 से भाग डिवाइड करना होगा। हम 1450 को इस तरह से 1000 से भाग कर सकते हैं। अब ये बहुत आसान है। जो भी संख्या यहाँ ऊपर लिखी है वो किलो में है और बची हुई संख्या बचे हुए ग्राम है। इसका मतलब 1450 ग्राम 1 किलो और 450 ग्राम के बराबर है। बच्चों, याद रहे, जब भी हमें कोई छोटी इकाई में लिखी संख्या को बड़ी इकाई में व्यक्त करना हो तो हम भाग डिविजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मुझे 1 किलो और 450 ग्राम पनीर खरीदना है। अब यहाँ केसर की कीमत तो मिलीग्राम में लिखी है, तो 2 ग्राम केसर कितने मिलीग्राम के बराबर होगा? बच्चों, क्या आप राजू को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर है, इसलिए 2 ग्राम को मिलीग्राम में व्यक्त करने के लिए हम 2 को 1000 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 2 ग्राम केसर 2 गुणा 1000 2000 मिलीग्राम के बराबर है। बच्चों, याद रहे, जब भी हमें किसी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में व्यक्त करना हो तब हम गुणा मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। राजू ने अप्पू से पनीर और केसर खरीद लिया और अपने घर लौट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वजन और उसकी इकाइयों वेट एंड इट्स यूनिट्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।